Good morning students, how are you all? I hope you all are fine. Let's start today's class. So student, in this class we will read about Gia's dream. Okay, right? We will read an essay written by Gia when she was 8 years old. Okay, so this is the essay written by Gia. Gia's dream. When I grow up, I want to become a doctor for animals. Doctors who take care of animals are called vets. Vets are very smart doctors. They give medicines and injections to animals. When they are not feeling well or when they are hurt. Okay, उनको क्या देगी वो medicines देगी जब वो well नहीं होंगे animals. और क्या होगी और जो वो हर्ट हो जाएंगे. दे टेक केयर ऑफ मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स लाइक डॉग्स कैट एंड हॉर्सेज एंड इवन बर्ड्स. नेक्स्ट वन, आई वॉन्ट टू बिकम अ वेट बिकॉज आई लव एनिमल्स टू. आई हैव टू पेट डॉग्स आर कॉल्ड विलॉ एंड पेपर. उसके पास कितने थे, टू पेट डॉग थे, वन था विलॉ एंड सेकेंड इज पेपर. आई गिव दैम अ बाथ, फीड दैम एंड गिव दैम मेडिसिंस व्हेन दे हर्ट, व्हेन दे गेट हर्ट. मैनी इयर्स अगो आई फाउंड एन इंजर्ड बर्ड इन द गार्डन एंड आई टुक केयर ऑफ हर टिल शी कुड फ्लाई अगेन. जब तक वो फ्लाई नहीं करना सीखा तब तक वो क्या करेगी, उसकी टेक केयर करी उसने. आई लव टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स. I will work hard to become a vet. Vet बनने के लिए उसको work hard करना पड़ेगा. वो करेगी hard work. I will do well in all subjects at school. I will also read books about animals and how to take care of them. I will be the happiest person in the world if I become a veterinarian. Okay. अगर वो वेट बन जाएगी तो वो हैप्पीएस्ट पर्सन होगी. ओके, सो दिस इज द एसे रिटन बाय गिया व्हेन शी वाज 8 इयर्स ओल्ड. ओके, सो स्टूडेंट्स कैन यू टेल मी व्हाट इज द गियाज ड्रीम. व्हाट इज गियाज ड्रीम? सो गियाज ड्रीम वाज ही वांट्स टू बिकम अ वेट एंड व्हाट इज कॉल्ड एनिमल्स डॉक्टर. सो स्टूडेंट्स टेल मी व्हाट वाज द एसे अबाउट. What was the essay about? The essay was about Gia's dream of becoming a doctor for animals. And now can you students tell me how many paragraphs did it have? So it have 3 paragraphs. This essay have 3 paragraphs. Paragraph 1, 2 and 3. It have 3 paragraphs. Okay. So students can you tell me what was the main idea of the each paragraph? Yes. The first paragraph was about who a vet is and what he or she does. First paragraph में क्या बोला गया है, वो है vet क्या होता है, who is vet, vet कौन है and what he or she does, वो क्या करेगी उसके लिए. And the second paragraph was about why Gia want to become a vet, कैसे बनेगी वो doctor, vet कैसे बनेगी. And the third paragraph was about what Gia promises to do so that she could become a vet. उसने जो promise किया है कि वो vet बनेगी, है ना. So उसके promise के बारे में है. So future tense के बारे में, third paragraph is about future. Okay, इसमें future tense है क्योंकि उसमें will है, वो बनना चाहती है ना. So students can you tell me how can you use the main ideas to write an essay about your own dream job for future? So we can use the main ideas to think about what we should write in each paragraph. हम each paragraph में क्या write करते हैं. The first paragraph will explain. First paragraph में हम क्या किसके बारे में लिखेंगे, what the job is क्या है and what person and what a person in that job does. So what the job is about, what the job is, job क्या है and what a person in
दैट जॉब डज, क्या करता है वो. एंड द सेकेंड पैराग्राफ विल टॉक अबाउट व्हाई डू यू वांट टू दैट जॉब, वो जॉब आपको क्यों चाहिए. सो सेकेंड पैराग्राफ है व्हाई यू, आप उसमें राइट करोगे व्हाई यू वांट दैट जॉब. ओके सो एंड द थर्ड पैराग्राफ विल टॉक अबाउट व्हाट यू विल डू टू मेक योर ड्रीम ट्रू. थर्ड पैराग्राफ में आप राइट करोगे कि आप क्या कर सकते हो अपने ड्रीम को ट्रू करने के लिए. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स. एंड नाउ लेट डिस्कस अबाउट दिस वर्कशीट, मेन आइडियाज ऑफ पैराग्राफ. सो देयर इज द क्वेश्चन वन, राइट वन इन द बॉक्स फॉर द मेन आइडिया ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ इज गिया'स ड्रीम. सो गिया के ड्रीम का फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें क्या है, उसका मेन आइडिया क्या है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द गिया'स फर्स्ट पैराग्राफ. सो द फर्स्ट पैराग्राफ इज अबाउट हिज जॉब, ओके, बट ही वांट टू बिकम. सो फर्स्ट आपका राइट करोगे इसमें आई वांट टू बिकम अ वेट इज एन एनिमल डॉक्टर एंड इज वेरी स्मार्ट. देखो यहाँ पे बोल रहा है ना, दे टेक केयर ऑफ द एनिमल्स लाइक डॉग एंड हु टेक केयर ऑफ इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, वेट बोलेंगे उसको, है ना. सो क्या है, सो देर इज फर्स्ट, आप इसमें फर्स्ट नंबर राइट करोगे. एंड सेकेंड किसके बारे में है, आई वॉन्ट टू बिक आई विल स्टडी वर्क हार्ड सो दैट आई कैन बिकम अ वेट. वो स्टडी हार्ड करेगी तभी तो वेट बनेगी ना. एंड आई वॉन्ट टू बिकम अ वेट बिकॉज आई लव एनिमल्स. वो क्यों बनना चाहती हैं, क्योंकि उसको एनिमल से लव करती है. सो ये आपका सेकेंड में क्या है, देखो सेकेंड पैराग्राफ, आई वॉन्ट टू बिकम अ वेट बिकॉज ही लव्स एनिमल्स टू. सो आप इसमें नंबर टू राइट कर दोगे, दिस इज़ वन एंड दिस इज़ टू. एंड थर्ड विज आई वॉन्ट टू बिकम अ वेट बिकॉज आई लव एनिमल्स, सॉरी यस थ्री, यहाँ पर थ्री आ जाएगा. आई होप स्टूडेंट इट इज़ क्लियर टू यू. देर इज क्वेश्चन टू, राइट द मेन आइडिया ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर ओन एसे. आप क्या बनना चाहते हैं, वट यू वॉन्ट टू बिकम, ओके सॉरी. तो आपका फर्स्ट पैराग्राफ में लिखना है आपको वट अ पर्सन इन दैट जॉब डज, आपको कौन सी जॉब पसंद है. इसने बोला कि फर्स्ट में इसने बोला आई वॉन्ट टू बिकम अ वेट, है ना. सो उसने वेट बनना चाहती है ना. सो आपको क्या राइट करना है फर्स्ट पैराग्राफ में, आई वॉन्ट टू बिकम अ I want to become a I want to become an engineer, I want to become a doctor, I want to become a I want to become a professor, I want to become a teacher, जो भी आपको write करना है. Second है write the main idea of the second paragraph of your own essay. आपको second में क्या write करना है, I will work study hard so that I can become a, आप ये वाला राइट करोगे आई विल स्टडी, सॉरी ये आपका चेंज करेंगे इसमें हम, फर्स्ट यहाँ राइट करेंगे आई वॉन्ट टू बिकम एनिमल्स की डॉक्टर. क्यों बनना चाहती थी वो, वेट क्या होता है, एक एनिमल डॉक्टर होता है. यहाँ पे आप लिखोगे टू और यहाँ पे आप थ्री करोगे. सो आप वो स्टडी हार्ड करेगी ना, तो आपको लिखना है सेकेंड पैराग्राफ में आई वॉन्ट टू बिकम अ, यहाँ पे आपको आई वॉन्ट टू बिकम इंजीनियर, आई वॉन्ट टू बिकम डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम टीचर, ओके. सेकेंड में क्या राइट करोगे, सेकेंड पैराग्राफ में आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर बिकॉज आई लव टीचिंग, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर बिकॉज आई लव दिस प्रोफेशन, ओके. इस टाइप से आपको राइट करना है. अब प्रोफेसर बनना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको स्टडी हार्ड करनी पड़ेगी. सो यहाँ पे आप लिखोगे आई विल स्टडी हार्ड सो आई कैन बिकम अ टीचर, सो आई कैन बिकम अ प्रोफेसर, सो आई कैन बिकम अ प्रोफेसर, ओके. जो भी आप बनना चाहते हो वो राइट करोगे आप. तो थर्ड वन इज व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ योर एसे, माई ड्रीम. सबका टाइटल क्या होगा, माई ड्रीम, आपका ड्रीम क्या है, ओके. सो आई होप दिस वर्कशीट इज़ क्लियर टू यू. यहाँ पे आपको आप बनना क्या चाहते हो वो राइट करोगे, व्हाट यू वांट टू बिकम. सेकंड में आप लिखोगे क्यों बनना चाहते हो, आई वांट टू बिकम बिकॉज, ओके. थर्ड में आपको बनना, आप जो भी बनना चाहते हो कैसे बनोगे, आप
हाउ? सो आई विल स्टडी, क्या करोगे उसके लिए? आई विल स्टडी हार्ड, आई विल डू एक्सरसाइज. ओके, इन दिस वे यू हैव टू राइट डाउन. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वॉच इट केयरफुली. आफ्टर दैट यू हैव टू कम्प्लीट योर S3.